हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये चीज़ मुझे चिकू ने सिखाई है कल, क्योंकि आपको रोज़ रोज़ न्यू व्लॉग्स मिल रहे हैं ना, तो न्यू व्लॉग ऐसा बोला जाए, वेलकम बैक टू माय व्लॉग ऐसा नहीं बोला जाए। तो चिकू का सिखाया हुआ मैं सीख चुकी हूँ और आप लोगों को मैंने गुड मॉर्निंग विश कर दिया है। और आज थोड़ा जल्दी उठे हैं और फिर घर का काम भी आज जल्दी निपटा के सैलून जाएंगे, क्योंकि कल तो 15 तारीख थी, हम इस भूल में थे कि छुट्टी है। पर चिकू को अभी उठाएंगे, चिकू तो सोए हुए ही हैं और ब्रेकफास्ट में साथ साथ मैं प्रिपेयर कर रही हूँ और चिकू को पूछ लेती हूँ खाने में क्या खाना है, तो खाने की भी तैयारी कर देती हूँ। ब्रेकफास्ट में भी दूध बन रहा है, कल जो आलू पराठे बनाए थे वो अभी हैं, सो उनको थोड़ा गर्म कर दूँगी, और अगर चिकू को खाने होंगे तो और बना भी दूँगी। सुबह मैंने कल जूते लाए थे, वो मैंने सही रख दिए। मेरे जूते का कलेक्शन मैं आपको एक दिन बताऊंगी, चिकू ने तो मेरे एक जूते का कलेक्शन, शूज़ का कलेक्शन ही बना दिया है पूरा। ये चांदी की पायल की पैकिंग आ गई है हमारी शॉप के नाम की, जो कि हमारी गोल्ड की शॉप है नवपंचाल ज्वेलर्स, और दिखने में इतनी ज़्यादा सुंदर दिख रही है, मुझे अभी तक का सबसे यानी अट्रैक्टिव कार्ड लगा है, क्योंकि हम लोग खुद भी यानी परचेस करते ही रहते हैं तो देखते रहते हैं, पैकेजिंग अलग अलग आती रहती है, पर मुझे अभी तक की सबसे बेस्ट पैकेजिंग लगी है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। जैसे कि आपने ऊपर हमारी शॉप का मेन लोगो लाइन देखा ही होगा, दिलों के रिश्ते, तो हमारे सारे कस्टमर्स भी ऐसे ही हैं, दिलों के रिश्ते। और क्या कहते हैं, शॉप करो का टाइटल है, शॉप करो दिल से करो, तो हम सब दिलों से ही जुड़े हुए हैं और वाकई हम सबसे जो भी कस्टमर के तौर पर जुड़ता है या फिर किसी भी पर्पज़ से जुड़ता है वो दिलों से ही जुड़ता है। और ये अभी भी सुबह कॉल आया था कि सारा पैकेजिंग का सामान आया है, तो चिकू रिसीव करने के लिए गए थे, अभी सारा सामान दुकान के पीछे रखवा है, तो सब व्यवस्थित जगह पे रखवाना पड़ेगा, क्योंकि ये सामान ऐसा है ना, मगर थोड़ा सा भी पानी वानी लगा ख़राब होगा। पेपर की पैकिंग है, मम्मी को दिखाए, मम्मी को दिखाते हैं। मैं हो चुकी हूँ नहा कर तैयार, फिर मैंने मेरा स्किन केयर कर दिया है, सिर्फ मुझे सनस्क्रीन लगानी बाकी है, और आज मैंने हेयर वॉश किया है, तो हेयर सीरम मैं लगा रही हूँ, गुड हेयर की बाकुची सीरम, और ये पैराबिन फ्री है, सल्फेट फ्री है और मिनरल ऑयल फ्री है, जो कि हमारे बालों को बिल्कुल डैमेज नहीं करेगी, एकदम नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनी हुई है। और मेरा हाईलाइट भी यार उतर गया है, अब बाल लंबे हो गए, तो मैं बहुत जल्दी अब हाईलाइट करने का भी प्लान करूँगी, क्योंकि मुझे बाल बहुत कम मेरे हाईलाइट लग रहे हैं, तो अब की बार तो मैं शायद बालियाज करूँगी, मेरा सोचना ये है। अब जो भी है लुक पे डिपेंड करता है, अब मुझे मेरा नेक्स्ट लुक कैसा क्रिएट करना है, सो एक बार हेयर सीरम लगा देती हूँ मैं मेरे बालों में। और हेयर सीरम हमेशा, ओ तो घिरू घिरू कहाँ पर हो रही है, मुझे नीचे ही बैठना पड़ गया। हेयर सीरम हमेशा लेंस पे लगती है, स्काल्प पे नहीं लगती है, कोई भी हेयर सीरम हो, और इसको बहुत ही कम अमाउंट में मैं मेरे वेट हेयर में अप्लाई कर रही हूँ, स्काल्प में नहीं लगाना, स्काल्प में ऐसे ऐसे लगता है, हमको सिर्फ बालों पर ऐसे कोट करना है। और मैंने गलती से चिकू का कॉम यूज़ कर दिया था, तो मुझे इतनी कल डांट पड़ी है, कल मुझे बहुत ही ज़्यादा ज्ञान मिला है चिकू से, जो कि मैंने मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग में ही थोड़ा तो बता दिया। अब मैं मेरे बालों को डिटैंगल कर दूंगी, डिटैंगल करने में बहुत ही ज़्यादा यानी आसानी रहती है, ज़्यादा बाल खिंचते भी नहीं हैं अगर सीरम लगा रखी हो, और आपके सामने ही बाल मैं भी बना रही हूँ। सी मेरा एक भी बाल नहीं जड़ा है, एक आधा बाल का ही जड़ा है, इसको हम हेयरफॉल नहीं बोल सकते हैं, ये ओनली फॉर गुच्छों की वजह से जड़ा है। तो जब भी बाल धोने जाएं, इससे पहले बालों को डीटेंगल करें, ताकि हमारे जो बाल हैं वो ज़्यादा टेंगल, बालों में ज़्यादा टेंगल भी ना आए और बाल भी नहीं झड़ते हैं इससे, और बालों को प्रॉपरली कॉम करते ही रहना चाहिए। अभी के लिए तो मैं बालों को कर दूँगी ट्राई, क्योंकि मेरे बाल अभी गीले हैं और मुझे बनाना है खाना, तो खाना बनाते समय मैं बाल खुले नहीं रखती हूँ, ऐसे तो भले बाल नहीं झड़ते, पर कहीं एक आधा बाल आ गया तो मूड ख़राब हो जाता है, हमारा भी हो जाता है, तो जेंट्स का तो बड़े बड़े तरीके पे ख़राब होता है, इसीलिए तो बालों को एक बार कर देती हूँ टाइ। मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में आज पिस रहे हैं गेहूँ, क्योंकि इसमें सुबह के टाइम पे ही हम गेहूँ को पीसते हैं, गेहूँ को पीसते हैं। और आज प्लेन कढ़ी बनाने की इच्छा है, तो प्लेन कढ़ी बनाती हूँ और दही मंगवा देती हूँ, क्योंकि दही कढ़ी बनाने के लिए दही बहुत अच्छा रहता है, छाछ में कढ़ी थोड़ी कम भाती है,
तो अभी फ़ोन करूँगी शॉप पे, तो दही आ जाएगा, तो कढ़ी की तैयारी तब तक मैं कर देती हूँ। दही आया, फिर मैं लेट भी हो गई थी क्योंकि है ना, दही एक तो आने में थोड़ी सी लेट हो गई और बेसन भी ख़त्म हो गया था, तो फिर चने की दाल पीसी और कढ़ी मैंने लगे हाथ फटाफट से फ्राई करी थी, तो ये कढ़ी हमारी अभी उबल रही है, उबलेगी या नहीं, अभी जस्ट ही फ्राई हुई है, तो मेरे को थोड़ी गाढ़ी लग रही है, थोड़ा पानी इसमें ऐड कर देती हूँ और अभी उबलना चालू हो जाएगी। आज प्लेन कढ़ी बनाई है चिकू की फरमाइश पे, और एक तरफ अभी चावल भी रख देती हूँ, दोनों जैसे ही थोड़ा हाफ हाफ रेडी हो जाएगा चिकू को बुला दूँगी खाना खाने के लिए, और चावल में नमक डालना भूल जाऊँगी बातों में। खाना बन चुका है और कल रात का जो मसाला रह गया था उसके हमने वापस से आलू पराठे बना दिए। मम्मी आलू पराठे महंगे थे तो मम्मी के लिए भी आलू पराठे बना दिए। कैसे लग रहे हैं मम्मी आलू पराठे? बहुत अच्छे लग रहे हैं। टेस्टी नहीं? बहुत अच्छे। कढ़ी चावल कैसे लग रहे हैं आपको? कढ़ी चावल अच्छे लग रहे हैं। और ये मेरा खाना, आधा आधा आलू पराठा खाऊंगी, फिर रोटी खाऊंगी और फिर चावल खाऊंगी, खाना ही खाना खाऊंगी और फिर दुकान जाऊंगी। खाना खा लिया, अभी जस्ट हो गई हूँ मैं फ्री, किचन में थोड़ा बहुत जो भी अवेना था वो अवेर दिया, ब्लैकबेरी चार्ज हो गया, डाल देती हूँ पर्स में और अब निकलती हूँ शॉप के लिए। अब बाल खोलने ही पड़ेंगे क्योंकि गीले गीले बाल हैं, कब से बांध के रखे हैं, और मुझे क्या पता गीले बाल बांधते में सिर चढ़ जाता है। ओ काकली है हिम्मी, वो ये अटला सा ना ढोराई गए, ये क्या पता किसके वो, अरे अना आते ढोराई गया बाबड़ा जो सुषमा जी जी सोने लग रहे, ये यहाँ ढूल गए दीदी। ए मिहाई हो किधर आओ, हाय ऐसे बोले, मैं कौन चाची, और मम्मा का है, मम्मा का है, और मम्मा को क्या बोलते हो आप? हिम्मी ऐसे कर लो ना, ए ए हिम्मी ये बदमाश है, बात बिगर वीडियो के। मैं आ चुकी हूँ शॉप पे और स्क्रंचीज का फुल स्टॉक आ गया, जिस जिसको भी स्क्रंची का रिक्वायरमेंट है वो शॉप करो पर रोमा मेकअप स्टूडियो पर विजिट करें, और मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। आगे शॉप से मैं पीछे आई और पीछे आके मैंने ये सारे स्क्रंचीज हैं वो जमाए हैं, और कुछ स्क्रंची है वो आगे वाली शॉप पर भी रखे हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। अभी जो स्क्रंची में बहुत ही अच्छे कलर आए तो बुक करवा लो जल्दी से जल्दी, क्योंकि ये तो फटाफट से आउट ऑफ स्टॉक होने वाले हैं। और अभी मैं जाती हूँ आगे वाली शॉप पर, कुछ ज़्यादा ही काम है तो देखते हैं क्या क्या काम है। तो मैं आ गई हूँ पीछे शॉप पर और मैंने लिपस्टिक लगाई है, बहुत ही अच्छा एक शुगर का शेड है वो। प्रॉपरली हेयर कल करने का आपको एक ट्यूटोरियल भी मिल गया है, प्लस साथ ही अगर बाल आपके हाइलाइट्स हो तो सोने पे सुहागा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगने वाले हाइलाइट्स किए हुए बाल या फिर बालियाज कलर किए हुए बाल, कोई भी हेयर स्टाइल हेड इसके बाद स्ट्रेटनिंग में कर्लिंग में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो जो लुक है वो इन्हेंस हो जाता है। और अभी है वेडिंग का सीज़न तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है ये लुक। तो मैं बस अब टाइम हो गया है, फाइव ओ क्लॉक हो गई है, आगे चलते हैं आगे वाली शॉप पर, आपको कुछ प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। मैं आ गई हूँ आगे शॉप पर और मैंने जैसे कि आपको बोला था कि कौन सी मैंने लिपस्टिक लगाई है, तो मैंने लिपस्टिक लगाई है शुगर की नथिंग एल्स मैटर और लॉन्ग वेयर लिपस्टिक, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लिपस्टिक है और क्रीमी मैट है एकदम, और लिप्स को इतना ज़्यादा यानी मॉइस्चराइज भी रखती है और ड्राई भी नहीं होने देती है, और इसका शेड है 22। और मैंने मेरे पहले भी मेकअप के ट्यूटोरियल में ये लिपस्टिक यूज़ की हुई है। और शुगर का अभी जो न्यू लॉन्च प्रोडक्ट है वो है शुगर का ये हाइलाइटर, एक दिन मैंने मेरी वीडियो में यूज़ किया था, मैं आपको बताना भूल गई थी, पर आज मैं आपको बता भी देती हूँ और यूज़ करके भी दिखा देती हूँ। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ शुगर का न्यू लॉन्च जो प्रोडक्ट है लिक्विड हाइलाइटर, और इसका नाम है ओन द लाइट लिक्विड हाइलाइटर। बिल्कुल ये हमारे फेस को एकदम लाइट की तरह चमकाएगा वो, जो कि मैं अभी आपको करके दिखाने वाली हूँ। और मेरे पास यार कोई मिरर नहीं है, बट हम मिरर के पास ही चले जाते हैं। आ जाइए, अब ये जो हाइलाइटर है, ये जो हाइलाइटर है वो काफ़ी शिमरी है अगर आपको दिख रहा होगा तो, और इसके अंदर है ड्रॉप वाला, तो ड्रॉप में हमको हाइलाइटर को फिल करना है एंड हमारे जो फेस के हाइलाइट एरिया हैं उनको हाइलाइट करना है। जैसे कि मैं मेरे चीक्स को लाइटली हाइलाइट कर रही हूँ, नोज़ को ओनली फॉर टिप ऑफ द नोज़ एंड बॉन ऑफ द चीक्स और हल्का सा चिन पे, दैट्स इट। इतना सा हमको लेकर हमारे फेस को हाइलाइट करना है। मैंने ड्रॉप ड्रॉप करके तो मेरे फेस पे लगा दिया है, लाभ मेरे को दे दे एक बार, मैंने ड्रॉप ड्रॉप करके तो मेरे फेस पे लगा दिया है
और अब इसको ब्लेंड कर देती हूँ। फेस मेरा बहुत ही अच्छे से हाईलाइट हो गया है और इतना ज़्यादा अच्छे से हाईलाइट हुआ है ना कि हमारा फेस पर जो हाईलाइट है वो फेक लगेगा भी नहीं, एकदम नेचुरल हाईलाइट हुआ है जो हमारा फेस नेचुरल ग्लो करता है। तो शुगर ने बहुत ही अच्छा एक ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है और मस्करा के बारे में तो मैंने दिखाया ही था, और आज अगर जो मैंने लिपस्टिक लगाई है वो आपको अच्छी लगी हो तो यू कैन बाय दिस, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इसकी और हमारे जो लिप्स हैं उससे ड्राई नहीं होते हैं। अभी मामाअर्थ पे चल रही थी भारी भरकम सेल, तो मैंने जैसे कि अभी आपको मामाअर्थ के प्रोडक्ट के बारे में बताया है तो और भी प्रोडक्ट्स हैं मामाअर्थ के, तो अभी सारा स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, तो अभी जस्ट आया है ये मामाअर्थ का स्टॉक, तो इसको अभी अनबॉक्स करेंगे, लिस्टिंग होगी एंड ये चढ़ेगा, वेबसाइट पर भी अवेलेबल है तो मस्ट बी विजिट। और सारी चीज़ें किसकी चीज़ से बताऊँ, मामाअर्थ की तो लिस्टिंग रह गई ड्यू, अब मैं जा रही हूँ घर पर और चिकू मेरे को आ गए हैं लेने के लिए खाना घर पे, अब जाके क्या फरमाइश है उसके अकॉर्डिंग बनेगा। क्या खाना क्या है आज तुम्हारे? टाइम हो रहा है 7:08 हो रही है और रोज़ मैं 6:30 बजे चली जाती हूँ, कभी कभी लेट भी जाती हूँ, पर आज 7 बजे जा रही हूँ तो उस अकॉर्डिंग खाना बनेगा। कल 8 बजे गई तो भी मेरे से आलू पराठे बनवाए पर कोई नहीं बना दिया था मैंने। क्या बनेगा यार, जा रहे हैं घर पर और आज स्प्लेंडर आई रहने के लिए, रोज रोज हमारी गाड़ियाँ दिख रही है, आ जाएगी एंटर। मैं आ चुकी हूँ घर और घर आके आज बनाना है नमकीन की सब्जी और रोटी, तो फटाफट से नमकीन की सब्जी और रोटी बना देते हैं। घर पे आके हैंड वॉश करके सीधा घुस गई किचन में और ये चढ़ा दी है कढ़ाई, लहसुन कूट दिया है, नमकीन की सब्जी बनानी है तो फटाफट से फ्राई कर देते हैं। फ्राई हो गया है और ये नमकीन इसके अंदर जा रही है, कम पड़ेगी और पानी भी डालना पड़ेगा और सेव है रखना है। इसके अंदर धनिया साफ कर देती हूँ, धनिया डाल देती हूँ और सब्जी तो ऑलमोस्ट बन गई है। तू खाना खाता है? हाँ, तूने खाना खाया? हाँ, कब से क्या बोल रहा है तू, बोलना। हाँ, मिट्टू कौन है? हाँ, मिट्टू कौन है? हम्म, तू है मिट्टू? चिकू का है? चिकू का है? चिकू, मैं जा रही हूँ। मैं जाऊँ कोई फर्क नहीं पड़ता है, चिकू नहीं जाने चाहिए बस। तो आटा तो अब मेरा गूंद के भगवान, तो फटाफट से उतार देते पराठे और हमारी सब्जी भी है रेडी और सब्जी बनी एकदम टमटमाट। इतने बदमाश है, कैमरा आते हैं बोलते ही नहीं, बाकी सब ने तो बोल बोल ही करते रहते। ये हमारा खाना पराठे और नमकीन की सब्जी, तो खा लेती हूँ और मैंने बहुत जल्दी खाना बना दिया। अभी कितनी देर हो रही है, 5:00 बज रही है, 1 घंटे में मैंने खाना बना दिया, मैं फ्री हो गई हूँ और खाना खा रही हूँ अभी। खाना तो हालांकि मेरा 20 मिनट में ही बन गया था, फिर पर चिकू और ये लोग आए नहीं थे इसलिए खाना फिर मैंने रुसा रोटियाँ नहीं उतारी थी, गरम गरम उतार के खिलाऊंगी करके, तो अभी चिकू भी खा रहे हैं, मैं भी खा लेती हूँ। खाना खा लिया है और मैंने किचन भी कर दिया है क्लीन, बस अब यहीं पर कर देती हूँ मैं व्लॉग का एंड, क्योंकि फाइबर के लिए मैंने बोला था, तो फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा खाओ खाने में, और तो कुछ नहीं है, फ्रूट्स खाओगे तो हेल्दी रहोगे, और बस यहीं पर कर देती हूँ व्लॉग का एंड। अगर आज का व्लॉग देखने के बाद अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और आई होप आज के दिन में जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई है हेयर को कर्ल्स करने के लिए वो आपके काफ़ी काम आने वाली है, तो मस्ट बी ट्राई। तो ओके, बाय।